आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो इस गांव के लिए और उन महिलाओं के लिए जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए एसीसी की तरफ से ये प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। तो जयशंकर जी, खबर हिमाचल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। जितने भी एसीसी की तरफ से ये प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, आप उनके बारे में जानकारी दें। जी, मैं जयशंकर, एसीसी हुआ सिर्फ सीएसआर के सॉलोमन प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी वर्तमान समय में हम 35 एसएचजी के साथ काम कर रहे हैं, जो कि तीनों पंचायत में है, बरवाना, धौनकोटी और पंचगैंग। 35 ग्रुप के साथ हम अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि बैग बनाना, अचार बनाना, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन, बर्मी कंपोस्ट ट्रेनिंग, हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग इत्यादि। इसका उद्देश्य ये है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, घर बैठे कम से कम महीने में 2 से 3 हजार रुपए वो खुद से अर्न कर सके, इस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी हमें 35 माइक्रो एंटरप्राइजेस बना देने हैं, वो 31 मार्च तक पूरे किए जाएंगे। अभी यहाँ पर जो इन महिलाओं को ट्रेन कर रही है वह अध्यापिका भी हमारे साथ है, तो मोनिका मैडम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इन महिलाओं को क्या क्या सिखाया है। नमस्कार, मैं मोनिका स्वावलंबन से ट्रेनिंग टीचर, मैं इन्हें सबसे पहले यहाँ पे कटिंग एंड थ्रेडिंग ट्रेनिंग दे रही हूँ, और मैंने इनको आजकल फैशन में आने वाली हर एक चीज सिखाई है, बाकी इनकी डिमांड के हिसाब से भी। जैसे कि लड़कियां हैं वो अनारकली सूट, प्लाजो सूट, धोती सूट, और हमारे यहाँ फैशन में कई चीजें आती हैं, उनकी डिमांड की इन्होंने, मैंने उन्हें भी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नाप, जो हमारा स्टैंडर्ड का होता है उसके हिसाब से सिखाया और ड्राफ्टिंग भी करवाई। तो हम ये चाहेंगे कि एसीसी के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट आते हैं और चलाए जा रहे हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वो ऐसे ही चलते रहें, ताकि हमें भी उनको सिखाने का मौका मिले और इन्हें भी कुछ सीखने का और आत्मनिर्भर होने का मौका मिले। थैंक यू। तो जितनी भी महिला यहाँ पर सीखने के लिए आई है, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उन्होंने क्या क्या सीखा है और उनकी किस तरह से मांग रहती है। मैं कृष्णा बोल रही हूँ, और एसीसी कंपनी ने जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट खोला है, हम चाहते हैं कि बार बार ऐसा प्रोजेक्ट खोलें और गांव की महिलाएं अपने आप पर निर्भर हो जाए और घर में बैठे भी हम ऐसा काम कर सकते हैं। मैम ने हमें जितना भी कुछ सिखाया बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, और मैं यही चाहती हूँ कि अगर जब भी हमें आगे कोई भी मौका मिले तो हमें यही मैम मिले कुछ भी सीखने के लिए, और मैम ने हमें बहुत ही फैशनेबल चीजें सिखाई। तो सर और मैडम, मैं खबर हिमाचल से आपका धन्यवाद करती हूँ अपना कीमती समय देने के लिए।